हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए टू जेट। सो जेट 24 होने वाला है आपको 7 जनवरी 24 में, ठीक है ना। जनवरी 7 24 में जेट होने वाला है, तो आपको 341 डेज लेफ्ट है, 341। ओके, 341 डेज लेफ्ट है, ठीक है ना। अभी से पढ़ाई करोगे तो जेट का हो पाएगा, नहीं तो जेट नहीं होगा, सीधा बात है, ठीक है ना। तो अभी से पढ़ाई करना चालू करो। बार बार एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स एंड जीके, दोज आर द बेसिक पोर्शन ऑफ जैट। ओके, सो प्लीज गो अहेड विदाउट एनी हेजिटेशन। तो दिस इज द जैट साइट। ओके, तो उसके बाद अब मैं आज थोड़ा बात करेंगे जो न्यू पैटर्न होने वाला हुआ है। जो तो जैट 22 हुआ था जनवरी 23 में, सो जैट 24 होगा, दैट मीन्स दिस इज 23 में हेल्ड होता है, तो 24 होगा, सैट 24 होगा जनवरी 7 23 में, ठीक है ना। 7 जनवरी 23 में जैट 24 होने वाला है, ठीक है ना। तो उसका जो पोर्शन रहेगा, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, क्वांट एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड एसे राइटिंग, दैट इज 5 पोर्शन। ओके, डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शन रहेगा। तो एक्सेप्ट जनरल अवेयरनेस एंड एसे राइटिंग टेस्ट, ऑल अदर 3 सेक्शन आर कोर सेक्शन ऑफ डिटरमाइन द जैट परसेंटाइल एज वेल एज द एक्सरसाइज शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। द स्कोर ऑफ जीके एंड एसे राइटिंग इज टेकन इन टू अकाउंट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू राउंड। ओके, पीआई राउंड के लिए बुलाएगा तो आपको जाना है। तो जैट 23 वॉज द एग्जाम विच वॉज हेल्ड ऑन 8 जनवरी 23, एंड जैट 24 विल बी हेल्ड ऑन 7 जनवरी 24। ओके, 341 डेज लेफ्ट। टेस्ट लीडिंग एमबीए एग्जामिनेशन फॉर XLRI, IMT, XIMB, TAPMI, XIME एंड 160 MBA colleges इन इंडिया, 160 को MBA colleges में उसमें एडमिशन हो पाएगा। लेकिन मैं तो प्रीवियसली बहुत वीडियो बना चुका हूँ कि ग्रेट लेक्स चेन्नई में उसका कट ऑफ क्या रहेगा, KJSOMAIA में कट ऑफ क्या रहेगा, ये सब बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ। उसको थोड़ा सा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा चैनल का व्यू देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा वीडियो का, ठीक है ना। एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैट एग्जाम सिलेबस एंड जैट स्ट्रक्चर के लिए मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, तो इस बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो ओवरऑल जैट 23 का पैटर्न एंड सेक्शन वाइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो जैट सिलेबस पर 23 इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग रहेगा पहला सेक्शन में। देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट। ओके, 175 मिनट्स आराम से बैठ के आप दो, वर्बल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वांट। देन जैट एग्जाम सिलेबस फॉर डिसीजन मेकिंग, देन सिलेबस फॉर क्वान्टिटिव एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड सिलेबस फॉर जनरल नॉलेज, एंड सिलेबस फॉर एसे राइटिंग टेस्ट। ओके, सो एसे राइटिंग एंड जनरल नॉलेज यू मस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, यू फर्स्ट प्रिपेयर फॉर द वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड जैट एग्जाम सिलेबस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड जैट फॉर क्वान्ट एंड DI। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 4 को सेक्शन रहेगा, MCQ मार्क्स वॉट अवॉर्डेड, तो 5 को करके ऑप्शन रहता है इसका। तो +1 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर एंड ईच रॉन्ग विल अट्रैक्ट -0.25। उसके बाद क्या रहा है, 8 को क्वेश्चन से आप ज़्यादा अनअटेंड करने जाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन से आप मान लो 10 को क्वेश्चन अनअटेंड किया तो क्या होगा ना, 0.10 मार्क्स करके आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिडक्ट होते जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम 8 को क्वेश्चन आपको छोड़ देगा, उसके बाद ही आपको डिडक्ट होता रहेगा। तो वर्बल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी में इस बार 26 को क्वेश्चन था, रीजन मेकिंग में 22 को क्वेश्चन था एंड 28 को क्वेश्चन था क्वांटिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो नो सेक्शनल टाइम लिमिट, सो 165 टाइम्स वाज देयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या हुआ ना, वर्बल लॉजिकल एबिलिटी में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो डिसीजन मेकिंग में जाकर कवर कर सकते हैं, क्वांट में जाकर आप कवर कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज में 25 को जनरल नॉलेज रहता है, उसके बाद 1 टेस्ट ऐसे वो भी 3 था ऐसे, उसमें एक को करना था, ठीक है ना। तो टोटल 102 क्वेश्चन था इस बार, 102 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टाइम ड्यूरेशन इज 3 आवर्स 15 मिनट्स। इसको 5 मिनट के लिए आपको दिया था कि टेस्ट करने के लिए उस कंप्यूटर को, आपको जो क्या है ना, कीबोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। तो द की चेंजेस ऑफ जैट 23 ऑफ जैट सिलेबस ऑफ 5 सेक्शन, इट वॉज अर्लियर 4 सेक्शन, दैट मीन्स दैट ऑलमोस्ट द सेम, बट देयर इज नथिंग न्यू, दैट इज नथिंग न्यू। सो दिस इज द थिंग एंड यू मस्ट गो अबाउट दैट, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अबाउट दैट फॉर 5 सब्जेक्ट, दैट इज वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, क्वांटेबिलिटी, यू शुड अवेयर अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड
is a writing test. We will form the single question paper in single section instead of two different parts without break. As because क्या होगा ना, जब ऐसे राइटिंग और आपका जनरल नॉलेज आएगा तो ऑटोमेटिक जो पुराना जो आपको वेरिएबिलिटी आरसी लॉजिकल रीजनिंग डिसीजन मेकिंग क्वांट का जो पोर्शन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल जेड 23 वाज एग्जैक्ट इज 102। ओके, दैट ऑल क्वेश्चंस इन फर्स्ट फोर क्वेश्चन सेक्शंस विल बी एमसीक्यू टाइप एंड ऐसे राइटिंग टेस्ट इज डिस्क्रिप्टिव टाइप। 76 क्वेश्चंस विद नेगेटिव मार्किंग वाज देयर, 25 जीके क्वेश्चन विदाउट नेगेटिव मार्किंग, एन ऐसे राइटिंग टेस्ट इज ऑल्सो विदाउट नेगेटिव मार्किंग, बट थ्री को ऐसे रहेगा आपको एगो करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी का वेटेज 35% है, 26 क्वेश्चन आउट ऑफ 75 दैट वोकैबुलरी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स सिनोनिम एंटोनिम कॉन्टेक्चुअल यूजेज एंड जम्बल पैराग्राफ करेक्शन ऑफ एरर दैट मीन्स पैरा जम्बल पैरा समरी कॉम्प्लीशन ऑफ सेंटेंस कॉम्प्लीशन ऑफ पैराग्राफ दैट इज वर्बल एबिलिटी बेस्ड आर सी पैसेज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक लिटरेचर पोएम बेस्ड आर सी सोशल इकोनॉमिक रिसोर्स साइंस कल्चर एंड हिस्ट्री फंक्शन फिक्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी रहेगा क्लॉक्स रहेगा कैलेंडर फैक्ट इन्फ्रेंस जजमेंट बाइनरी लॉजिक सीटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन लॉजिकल सिक्वेंस एंड एजम्पशन प्रीमाइज कंक्लूजन रहेगा। डिसीजन मेकिंग 28% रहता है, उसके बाद वो क्वांट दैट कंडीशन ऑफ ग्रुपिंग टेस्ट डाटा अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशन केस लेट्स एट्सेट्रा रहेगा। 21 को क्वेश्चन रहेगा लेकिन 22 को क्वेश्चन था इसमें 23 में। और क्वांट का जो सिलेबस है उसमें क्या आना चाहिए, एरिथमेटिक बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा रहता है क्वांट में, आपको 37% वेटेज है। दैट इज मीन्स एल सी एम एंड एच सी एफ परसेंटेजेस प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट सिंपल एंड कॉम्पाउंड स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम एंड वर्क एवरेजेस रेशियो प्रोपोर्शंस नंबर सिस्टम एल्जेब्रा ज्योमेट्री मेंसुरेशन प्योर मैथ वेन डायग्राम लीनियर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स लॉगरिथम प्रोग्रेशंस बायनोमियल थ्योरम सॉर्ट्स एंड इंडिसेस इनइक्वालिटीज परमिशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन सेट थ्योरी मिक्सचर्स एंड एरिगेशन एंड ट्रिगोनोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स दैट मीन मीडियन मोड ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा आपको। डीआई का जो एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव डाटा टेबल्स डाटा चार्ट्स बार डायग्राम पाई चार्ट्स पैराग्राफ्स इस बार जो आया था आपको स्पाइडर ग्राफ, तो स्पाइडर ग्राफ इज वेरी इजी बट यू कैन इफ यू हैव अ प्रैक्टिस यू कैन डू दैट। ओके, दैट फॉर एसे राइटिंग टेस्ट ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज देयर, थ्री एसेज रहेगा, वन ऐसे करना है आपको। एसे राइटिंग इन जैट इज द टेस्ट फॉर राइटिंग स्किल ऑफ एन एस्पिरेंट एंड ऐसे टॉपिक कैन बी कॉन्टेम्पोरारी एब्स्ट्रैक्ट लाइक द टेक्नोलॉजी एंड नेचर एंड नेचुरल एनिमीज बट रेड इज ब्लू और रिस्क असेसमेंट एंड टेस्ट टेकर्स हैज टू राइट ऐसे ऑन वन टॉपिक बट समटाइम्स देयर इज चॉइस ऑफ चोजन बिटवीन द टू टॉपिक समटाइम्स देयर इज नो चॉइस एट ऑल बट थ्री टॉपिक्स वॉज देयर इन जेड 23। तो ऐसे एवेल्युएशन इज डन आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग इज ओवर बेस्ड ऑन स्कोर ऑब्टेन पार्ट वन सेक्शन एंड जीके फॉर जीके नॉट काउंटेड फॉर जेड परसेंटाइल कैलकुलेशन एंड नो वेटेज। 25 को क्वेश्चन रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग, दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कन्वेंशनल जीके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंपनी प्रोफाइल्स लोगोस बिजनेस एंड इकोनॉमीज हुज हु बुक्स ऑथर्स एंड कैपिटल करेंसी, इसमें आपको टॉपिक में आता है। सो जनरल जो टॉपिक है जो अक्टूबर नवंबर में हुआ है दिसंबर में हुआ है उसको पढ़ के जाइए नहीं तो दिक्कत होगा। सो मेजर टॉपिक्स कवर्ड इन जेड सिलेबस 23 इज दैट इंग्लिश वोकैबुलरी बेस्ड जम्बल पैराग्राफ करेक्शन ऑफ एरर सेंटेंस करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स कॉम्प्लीशन सेंटेंस कॉम्प्लीशन ऑफ पैराग्राफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ बीआरसी एरर क्वेश्चंस एंड द साइंस कल्चर हिस्ट्री फिक्शंस एंड आरसी टॉपिक्स ऑफ जेड एग्जाम सिलेबस। पुराना जितना जेड का क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना है नहीं तो दिक्कत होगा, सीधा बात है मैं बार बार बोलता हूँ। एलआर के लिए आपको बेसिक एजम्पशन जजमेंट फैक्ट इन्फ्रेंस एनालॉजी क्लॉक्स कैलेंडर्स कंक्लूजन ब्लड रिलेशन सीटिंग अरेंजमेंट एंड दैट योर स्पोर्ट्स अरेंजमेंट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर एंड फॉर डिसीजन मेकिंग पार्ट सेक्शन हाईलाइट्स दैट 22 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड दैट टोटल सिलेबस इज 23। डिसीजन मेकिंग इज इन यूजिंग एज नाइदर इन कैट नॉर एनी अदर नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट हैज डिसीजन मेकिंग एज वन बट यू हैव टू एबल टू कीप दैट स्कोर हाई फॉर डिसीजन मेकिंग सेक्शन। सो मेजर टॉपिक्स आर दैट कंडीशन एंड ग्रुपिंग टेस्टेड डाटा अरेंजमेंट टेस्ट दिस फॉर डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशन एंड केसलेट्स इसका रहेगा। तो क्या ना भाई आपको बढ़िया से करोगे, मैं बहुत बार कई बार बोल चुका हूँ कि इसके लिए कितना करने के लिए कितना परसेंटेज होगा, वो भी मेरा वीडियो को देखे मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा हर चीज़। सो प्लीज़ गो थ्रू माई वीडियोज़ एंड चैनल एंड प्लीज़ सी दैट एंड ऑब्जर्व दैट यू विल गेट एवरीथिंग। एंड फॉर क्वांट दिस इज द क्वांट सिलेबस फॉर जेट दैट एल सी एम जी सी एच सी एफ
and percentage profit loss, interest, compound simple interest, speed, time, distance, time and work, averages, ratio, proportion, others, number system, algebra, geometry including coordinate geometry, mensuration, pure math, Venn diagram, linear equation, quadratic equation, okay, and complex number, logarithm, progression, binomial theory, search indices, and what I am telling you, that statistical portion you have to read, okay. देखो यार डीआई के लिए आपको डाटा टेबल्स, डाटा चार्ट्स, बार डायग्राम, पाई चार्ट्स, ग्राफ, डाटा एनालिसिस, कंपैरिजन करने से आपको डीआई का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें तभी जाके आपको पता चलेगा। और क्या ना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे ले जाने के लिए बहुत आपको हिम्मत है, क्योंकि देखो यार मैं आपका थोड़ा नया एक्टर कोचिंग सेंटर खोल रहा हूँ। सो प्लीज़ गो अहेड विदाउट एनी हेजिटेशन एंड प्लीज़ गो थ्रू दैट। And thank you, best of luck boys and girls, and please go through my videos and please subscribe to my channel. Thank you.